आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिपब्लिक डे स्पेशल तिरंगा केक, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रिपब्लिक डे है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। और कुछ ही चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तिरंगा केक बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच हम घी डाल लेंगे। और 3 कप मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लिया है, जो बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, तो आप ये ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो सूखे वाला नारियल है वो ले लीजिए, और उसे आप मिक्सी में पीस कर पाउडर बना सकते हैं। तो इसे 2 से 3 मिनट हम लो फ्लेम पर भून लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब 1.5 कप हम इसमें दूध डाल लेंगे। दूध डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसको और पका लेंगे अच्छे से, जिससे दूध नारियल का बुरादा दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसे पका लिया है, दूध बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है नारियल के बुरादे में। अब हम इसमें चीनी डाल लेंगे। तो 1.5 कप मैं चीनी डाल रही हूँ, 1 कप हम पहले डाल लेंगे। पहले इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स होने के बाद 1/2 कप हम बाद में डालेंगे, और इसे पका लेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम जो 1/2 कप बचा है वो भी डाल लेते हैं, ये भी डाल लेंगे। 3 कप हमने नारियल का बुरादा लिया है, तो 1.5 कप इसमें चीनी डाल लेंगे। और इसे चीनी डालने के बाद करीब करीब 7 से 8 मिनट हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और नारियल का बुरादा भी अच्छे से पक जाएगा। 7 से 8 मिनट इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो नारियल का बुरादा बहुत ही जल्दी तले में चिपक जाएगा। अब मैंने यहाँ 3/4 कप मिल्क पाउडर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, इसमें बिल्कुल मावे का स्वाद आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा और इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। केक बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बाइंडिंग का ये काम करेगा। तो मिला लेते हैं हम अच्छे से मिल्क पाउडर को, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है। मिल्क पाउडर मैंने अच्छे से मिला लिया है, और 7 से 8 मिनट इसको पकाते हुए हो गए हैं। अब मैंने यहाँ 3/4 कप तिल लिए हैं, जो सफ़ेद तिल होते हैं, उसको 1 मिनट मैंने लो फ्लेम पर भून लिया था। कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा लो फ्लेम पर भूनना है और इसे दरदरा पीसना है। अगर आपको अच्छे लगे तो आप डाल सकते हैं, ठंडी का मौसम है तो इसलिए मैं तिल डाल रही हूँ। आप अगर तिल नहीं डालना चाहते तो आप इसके बगैर भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मिला लेते हैं सारे तिल अच्छे से, और तिल डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट और पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। देखिए 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से इसे पका लिया है। अब हम जो कि तिरंगा केक बनाने वाले हैं, तो जितना ये मिक्सचर है उसके 3 भाग हम कर लेंगे, 2 में हम कलर मिलाएंगे और 1 को ऐसे ही रखेंगे। तो इसमें से 2 भाग को अलग करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब जो मैंने भाग छोड़ लिया है उसमें हरा कलर हम हरा रंग हम मिला देंगे, करीब करीब 2 पिंच में इसमें मिला रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, हल्का सा इसमें कलर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत ही प्यारा ये कलर लग रहा है। अब हम ऑरेंज लेंगे, ऑरेंज रेड मैंने फूड कलर लिया है,
सिर्फ दो मैंने ड्रॉप लिए हैं, इसे ज़्यादा नहीं डालना है बिल्कुल भी। मिक्स करेंगे अच्छे से इसे भी। देखिए ऑरेंज कलर भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ के एक टिन ली है और उसमें बटर पेपर लगा दिया और अच्छे से इसे घी से ग्रीस कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें जो हरे रंग का मिक्सचर है वो डाल लेंगे और इसे अच्छे से स्पैचुला से फैलाकर सेट कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे। देखिए अच्छे से फैला लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हमने जो वाइट कलर का छोड़ लिया था वो डाल लेते हैं और इसे भी हम अच्छे से सेट कर देंगे स्पैचुला से। और अब हम सबसे ऊपर ऑरेंज कलर का मिक्सचर डाल लेंगे और इसे भी हम अच्छे से स्पैचुला से फैलाकर सेट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने मिक्सचर बचा लिया था तीनों में से, तो उसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे जिससे हम अपने केक को डेकोरेट करेंगे। देखिए 2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है, बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। अब चाकू की सहायता से इसके किनारे हम अलग कर लेंगे जिससे ईजीली ये निकल जाएगा। निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब जो पेपर हमने लगाया था वो निकाल लेते हैं। देखिए आप फिनिशिंग देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारा ये अच्छे से सेट हुआ है देखिए, और बहुत प्यारा लग रहा है। तीनों कलर बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए अब इसे डेकोरेट कर लेंगे। जो जो बॉल्स हमने बनाई हैं छोटी छोटी, उनसे हम डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी ये स्वीट बॉल्स ली हैं, इससे थोड़ा सा और डेकोरेट कर देंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगेगा। केक बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए और रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कीजिए। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।